नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद पहुंची महिला सशक्तिकरण की रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज इटावा से चलकर आगरा जा रही महिला सशक्तिकरण की रैली फिरोजाबाद के पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा इस रैली का भव्य स्वागत किया गया। बताया कि इस रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य है समाज को एक संदेश देना कि महिलाओं को कमजोर न समझें, घर की वस्तु न समझें, महिलाओं को सशक्त बनाएं, शिक्षित बनाएं। महिलाओं का भी समाज में एक विशेष योगदान होता है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर एक रैली निकाली जा रही है, जिसका समापन नोएडा में जाकर होगा। रिपोर्ट ऋषि पंडित। मैं अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा इन शब्दों के साथ में, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, और हमारी संस्कृति यही है कि जब कन्या भोजन कराते हैं, नवरात्रि होती है, मैं और मेरी वाइफ कन्याओं को बुलाते हैं, उनको भोज कराते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनको चुन्नी उड़ाते हैं। ये हम लोगों का कल्चर है और इस कल्चर को ही हमको और आगे ले जाना है। ये कि विश्व में कहीं नहीं होता है, ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को आगे बढ़ाया ले जाना है। मेरी भी दो बच्चियां हैं और मेरी वाइफ स्वयं ऑफिसर है, तो मैं शक्ति के स्वरूप को साक्षात रूप में घर में देखता हूँ। वो स्वयं सशक्त है, वो सर्विस में भी मेरी सीनियर है और घर पर भी मेरी सीनियर है। तो आपको जो है सशक्त रूप में रहना है। जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको एक ही मैसेज दीजिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी वजह क्या है। तो आप अपने आप को जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े हों और ऐसे पैरों पर खड़े हों कि पति जो है वो यदि आईपीएस ऑफिसर है तो जो हमारी जैसे मेरी वाइफ है वो आईएएस ऑफिसर है, कई पति आईएएस ऑफिसर हैं, कई की जो है अच्छी उद्यमी हैं, कई की जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, तो कहीं किसी क्षेत्र में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक नारी यदि पढ़ जाती है, एक नारी अपने जीवन में कुछ कर लेती है, तो उसकी चार पीढ़ियाँ, पुरुष कर लेता तो एक ही पीढ़ी होती है, चार पीढ़ी हो जाती है, चार पीढ़ियाँ चले जाती हैं, चार पीढ़ियाँ बहुत अच्छी करती हैं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर मेरा नमन, और अब आप लोगों का भोजन तैयार है। आप लोग यहाँ से फिर शक्ति लेके और आगे फिर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना जो जाएंगे आगरा, और बहुत अच्छा हम आपका संदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बिंद से स्टार्ट होकर और ये इटावा तक आई, और इटावा से फिर वो वापस चली गई वो टीम, फिर इटावा से हमारी टीम जो चली है वो यहाँ पे ब्रेक ली है लंच का, और इसके आगे आगरा तक जाएगी, और आगरा से फिर नई टीम जो बनेगी वो अलीगढ़ तक जाएगी, फिर अलीगढ़ से वो रिटर्न हो जाएगी, फिर अलीगढ़ से जो टीम जाएगी वो नोएडा तक समापन हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज समाज को पहुंचाना कि लोग बढ़ चढ़ के अपने बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको हौसला अफजाई करें, उनको सिर्फ घर की एक वस्तु ना समझें। और इस तरह से अगर हम एक नारी को, जैसे कि बताया भी जाता है कि अगर घर में आपने एक नारी को शिक्षित कर दिया तो समझ लीजिए पूरा परिवार को आपने शिक्षित कर दिया, और अगर आपने पुरुष को शिक्षित करा तो सिर्फ आपने एक ही सिंगल को ही शिक्षित किया है। तो इसी मोटो के साथ हम लोग ये मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि समाज में महिलाएं बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में हिस्सा लें, पढ़ाई लिखाई से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर क्षेत्र में वो हिस्सा लें बढ़ चढ़ के, और समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें।